एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 7। अभी हम इसको सॉल्व करें, उसी तरह का एक क्वेश्चन दोबारा है। देखिए, टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। अभी हम पहले सप्लीमेंट्री का कर रहे थे, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। द लार्जर एंगल इज 3। इससे पहले वाले क्वेश्चन में स्मॉलर था, यहाँ पर लार्जर एंगल 3 है। लेस देन ट्वाइस मेजर द स्मॉलर एंगल। लेस देन ट्वाइस कम है, ट्वाइस माने टू टाइम्स स्मॉलर एंगल से। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। ईच एंगल कितना होना चाहिए हमको मालूम करना है। अब सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर करने के लिए लेट द लार्जर एंगल इज इक्वल टू, सपोज क्या लेंगे हम, एक्स लेंगे, और यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा 90 डिग्रीज। कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, 90 डिग्रीज। बाय द प्रॉब्लम लेट द लार्जर एंगल हम क्या लिए, एक्स लिए। अनदर एंगल को हम क्या लेंगे, अनदर एंगल इज वाई ले लेंगे। अनदर एंगल क्या लेंगे, वाई लेंगे। बाय द प्रॉब्लम एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 90। इसको फर्स्ट इक्वेशन दे देंगे, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। उसी तरह यहां पर क्या बोल रहा, 3 लेस देन ट्वाइस ऑफ द स्मॉलर। ट्वाइस माने 2y। अब पहला एंगल बाय द प्रॉब्लम में, दोबारा बाय द प्रॉब्लम क्वेश्चन के हिसाब से हम, पहला एंगल x है, लेस देन माइनस है, ट्वाइस माने टू टाइम y है, इज इक्वल टू किसके बराबर है, ये 3 के बराबर है। इसको हम ऐसा लिखेंगे, x इज इक्वल टू ट्वाइस 2y लेस देन 3 माइनस 3, ऐसा हम लिख लेंगे, ये बराबर हो जाएगा। अब x माइनस 2y हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 3। इसको हम दे देंगे इक्वेशन सेकेंड, ट्वाइस टाइम बोल रहा तो हम क्या लेंगे, 2y लेस देन 3 माने माइनस हम 3 ले लेंगे। अब यहां पर सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ये दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। तो पहले वाला इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 है, दूसरे वाला इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 3 है। यहाँ पर सॉल्व करने के लिए साइन चेंज करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए। ये दोनों को ऐड करेंगे 3y, इन दोनों को ऐड करेंगे 93। वाई इज इक्वल टू 93 बाई 3, 3 1 3 3 3 9 3 1 3, y इज इक्वल टू आ गया इसका आंसर 31। अब इसको हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 है, y की वैल्यू हमको अभी आई 31, तो x प्लस वाई की प्लस में 31 इज इक्वल टू 90। x इज इक्वल टू 90 इस तरफ ले लीजिए, माइनस 31, x इज इक्वल टू 90 में से 31 को माइनस करेंगे, ये 9 हो जाएगा, 8 और 8 में से 3 निकालेंगे आप तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो ये आंसर आएगा आपका 59। अब देखिए दोनों को ऐड करके देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल x प्लस वाई है, x की वैल्यू क्या आ गया 59 प्लस y की वैल्यू आ गई 31, ये दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 90। इस तरह आप इसको रीचेक भी कर सकते हैं।